हाय गाइस, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ गीकीशी की। मेरे नाम है विनीत भारद्वाज और दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं एक बार फिर से डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के कुछ क्वेश्चंस के बारे में। वैसे तो मैं ऑलरेडी काफी क्वेश्चंस को कवर कर चुका हूं कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, फिर ऐसा क्यों हुआ, या फिर भी अभी एक दो क्वेश्चन बच जाते हैं तो उन सब के आंसर इस वीडियो में दे दिए जाएंगे। इसी के साथ अभी तक तो आप लोग समझ ही चुके होंगे कि अगर आप लोगों ने डॉक्टर स्ट्रेंज 2 फिल्म नहीं देखी है तो इस वीडियो को आगे कंटिन्यू मत करिए क्योंकि इसमें होने वाले स्पॉयलर्स, तो अगर देख लिया तो कंटिन्यू करना, नहीं देखी तो यहीं पे थम जाइए, यहीं पे रुक जाइए और उसके बाद जब आप फिल्म देख लेंगे तब इस वीडियो को आगे देखना ताकि आपके जो क्वेश्चंस हैं उनके डाउट्स क्लियर हो जाएं। ठीक है, मैंने स्पॉइलर वार्निंग दे दी है, अब सीधा क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों एक दो क्वेश्चन सबसे पहले निकल करते हैं। तो सबसे पहले जो सवाल है वो ये है कि इल्यूमिनाटी ने कैसे मारा थानोस को। उसी के बाद हम ये भी देखते हैं थानोस की जो स्वॉर्ड है जो कि उरू मेटल की बनी है, बहुत ताकतवर थी, हमने एंड गेम में भी देखा, उसको कैसे तोड़ा गया। और इसी के बाद बात करेंगे सीक्रेट वॉर्स के बारे में भी, लेकिन उससे पहले यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल उठता है कि थानोस को कैसे मारा गया था अर्थ 838 पे। तो देखिए अर्थ 616 की कहानी अलग है, यहाँ पे हम ये देखते हैं कि पहले इन्फिनिटी वॉर में थानोस ऑलमोस्ट जीत गया था, ऑलमोस्ट क्या वो पूरा ही जीत गया था, उसने वाइप आउट कर दिया था 50% ऑफ द यूनिवर्स को। फिर 5 साल के बाद आगे एंड गेम होती है जहाँ पे अपने ओजी एवेंजर्स, जो ओजी 6 एवेंजर्स हैं, वो पास्ट में जाते हैं और कलेक्ट करते हैं इन्फिनिटी स्टोन्स। फिर फाइनल बैटल होती है, इस टाइम जो थानोस आया था वो पास्ट वाला थानोस आया था 2014 वाला, क्योंकि 2018 वाले को थॉर ने ऑलरेडी मार दिया था एंड गेम के स्टार्टिंग में। फाइनल भयंकर बैटल होती है और उसके बाद अपने प्यारे आयरन मैन खुद को सैक्रिफाइस करके अर्थ 616 के थानोस को हराते हैं। और ये वाली जो बैटल थी ये एक्चुअली काफी डिफिकल्ट थी एवेंजर्स के लिए, क्योंकि इसमें उन्होंने ब्लैक विडो को भी खोया और उसी के साथ साथ अपने टोनी स्टार्क को भी खोया। प्लस आई एम प्रीटी श्योर जो बाकी जितने भी सोल्जर्स वगैरह थे वगांडा के, कुछ ना कुछ तो मारे ही गए होंगे एंड गेम की फाइनल बैटल में। ये तो नहीं कि हर एक एक इंसान बच गया था, बट क्या यहाँ पे फोकस किया गया था ब्लैक विडो और आयरन मैन की डेथ पे क्योंकि वो मेन कैरेक्टर्स हैं। लेकिन दोस्तों हर यूनिवर्स की अलग कहानी होती है, ये कहानी थी अर्थ 616 की जो कि एमसीयू की मेन टाइमलाइन है। अब बात करते हैं हम अर्थ 838 की, जहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज और मिस अमेरिका चावेस पहुंच जाते हैं। हम यहाँ पे ये देखते हैं कि जितने इल्यूमिनाटी मेंबर्स हैं वो एक कहानी सुनाते हैं, कि कैसे उन्होंने डॉक्टर स्ट्रेंज को मारा था, जो उनके यूनिवर्स का डॉक्टर स्ट्रेंज है उसको सुप्रीम स्ट्रेंज कहा गया। वैसे तो पूरी दुनिया को दिखाने के लिए उस यूनिवर्स के, यानी कि अर्थ 838 के यूनिवर्स को दिखाने के लिए ये बताया गया था कि डॉक्टर सुप्रीम स्ट्रेंज एक बहुत बड़े हीरो थे जिन्होंने खुद को सैक्रिफाइस किया, बट रियलिटी में ब्लैक बोल्ट ने या फिर इल्यूमिनाटी मेंबर्स ने साथ मिलकर डिसीजन लिया था कि डॉक्टर स्ट्रेंज को मारना पड़ेगा। और इसी यूनिवर्स में हम ये भी देखते हैं कि टाइटन प्लैनेट पे जब डॉक्टर स्ट्रेंज को मारा जाता है साइड में थानोस भी मरा पड़ा है, एंड उसकी जो स्वॉर्ड है, वो जो हेलीकॉप्टर स्वॉर्ड है जो कि उरू मेटल की बनी है, उसको उसी के अंदर गाड़ा गया। तो यहाँ पे कुछ सवाल उठने शुरू होते हैं कि सबसे पहले कि थानोस को किसने मारा होगा और क्या इस यूनिवर्स में एवेंजर्स एग्जिस्ट करते भी हैं या नहीं, ये सिर्फ इल्यूमिनाटी हैं। तो उसका सीधा सा जवाब है कि हाँ एवेंजर्स एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि इसका प्रूफ ये है कैप्टन कार्टर को जब इंट्रोड्यूस किया गया था, यहाँ पे नाम लिया गया था कैप्टन कार्टर द फर्स्ट एवेंजर। अब एवेंजर टर्म इस्तेमाल किया गया था मतलब एवेंजर्स एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन हो सकता है कि जो फाइनल बैटल थानोस के साथ टाइटन पे, वहां पे एवेंजर्स नहीं गए थे, वहां पे इल्यूमिनाटी मेंबर्स ही गए थे इंक्लूडिंग डॉक्टर स्ट्रेंज वगैरह, और इन्होंने यहाँ पे थानोस को मारा। तो एवेंजर्स तो है लेकिन थानोस को मारा है किसी और ने। वैसे हमको यहाँ पे ये भी जवाब मिलता है कि एग्जैक्टली थानोस को किसने मारा है, और उसका सीधा सा जवाब है डॉक्टर सुप्रीम स्ट्रेंज है अर्थ 838 वाला, उसने अकेले ही थानोस को मार दिया था, एंड मोस्ट प्रोबेबली उसने थानोस की जो हेलीकॉप्टर स्वॉर्ड है उसके अंदर गार्ड दी भी। लेकिन अब आता है रियल क्वेश्चन कि डॉक्टर स्ट्रेंज ने या फिर उस अर्थ के डॉक्टर स्ट्रेंज ने, अर्थ 838 के डॉक्टर स्ट्रेंज जिसको सुप्रीम स्ट्रेंज भी कहा गया है, उसने थानोस को अकेले ही कैसे मार दिया। तो दोस्तों उसका सीधा साधा सा आंसर है, वो है डार्क होल की मदद से। तो जो पूरी कहानी है, देखिए फिल्म का जो मेन फोकस है वो डार्क होल की तरफ भी है, क्योंकि डार्क होल जो है वो एक इंसान को करप्ट कर देती है। तो इस केस में हुए थे अर्थ 838 के कि डॉक्टर सुप्रीम स्ट्रेंज भी इस्तेमाल करना शुरू कर चुके हैं डार्क होल। इसलिए अगर आपने ध्यान से देखा फिल्म में तो उनकी जो फिंगर्स थी वो ब्लैक पड़नी शुरू हो गई थी, इसका मतलब ये है कि वो करप्ट होने लग गए थे, एंड वो अर्थ 838 के हैं। तो हो सकता है वहाँ की कहानी कुछ और, वो मैजिक या फिर विचक्राफ्ट का इस्तेमाल करते हो जिसकी वजह से उनको उस टाइम पे थर्ड आई नहीं मिली और उनकी फिंगर्स ब्लैक पड़ गई थी, जैसे वांडा फिर अगाथा हार्कनेस के साथ हुआ था। जब भी कोई विचक्राफ्ट का इस्तेमाल करता है, डार्क होल को यूज करता है, तो उनकी फिंगर्स ब्लैक पड़ती है, उनको थर्ड आई नहीं मिलती है। और डॉक्टर स्ट्रेंज ने सिंपल तरीके से उस उरू मेटल की वो जो स्वॉर्ड है थानोस की हेलीकॉप्टर वाली, उसी का इस्तेमाल करके थानोस को मार डालता, और डॉक्टर स्ट्रेंज धीरे धीरे करप्ट होने लग गया था बहुत ज्यादा। इसलिए इल्यूमिनाटी मेंबर्स ने डिसाइड किया था कि यहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज को मारना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों डार्क होल का इस्तेमाल करने के साथ साथ, थानोस को मारने के साथ, यहाँ पे एक और बहुत बड़ा कारण था जिसकी वजह से डॉक्टर स्ट्रेंज को मारना पड़ रहा था, वो ये था मल्टीवर्स का क्लैश होना।
या फिर दो यूनिवर्स का क्लैश होना। अब देखिए मार्वल जो है धीरे धीरे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स जो है धीरे धीरे सीक्रेट वॉर्स की तरफ बढ़ रहे हैं। सीक्रेट वॉर्स बहुत बड़ा होने वाला है, कुछ एंड गेम लेवल का, बल्कि उससे भी बड़ा होगा, क्योंकि हम फ्यूचर में देखेंगे कि दो तीन यूनिवर्स है जो कि कोलाइड कर जाएंगे। एंड मोस्ट प्रॉब्ली एक्समैन जो है या फिर बाकी यूनिवर्स के जितने भी फिल्म हैं वो धीरे धीरे अब एमसीयू का पार्ट बन जाएंगी। तो हुआ ये था कि डॉक्टर स्ट्रेंज ने अर्थ 838 वाले उन्होंने ड्रीम वॉकिंग शुरू कर दिया था। ड्रीम वॉकिंग अपनी अर्थ पे बैठे बैठे वो जो दूसरे यूनिवर्स के डॉक्टर स्ट्रेंज थे उनकी बॉडी पे कंट्रोल करना शुरू कर दिया था। एंड भी हो सकता है कि उन्हीं डॉक्टर स्ट्रेंज की मदद से अपने उन्होंने अर्थ 838 के डॉक्टर स्ट्रेंज ने बाकी सारे डॉक्टर स्ट्रेंज को कलेक्ट किया एंड थानोस को मार दिया, जो कि बहुत इजी तरीके की बात थी। वैसे इन्फिनिटी वॉर में हमने देखा था कि बहुत सारे डॉक्टर स्ट्रेंज आते हैं, लेकिन वो एक ही डॉक्टर स्ट्रेंज था। इस यूनिवर्स में अर्थ 838 वाले ने अलग अलग डॉक्टर स्ट्रेंज को अलग अलग यूनिवर्स के डॉक्टर स्ट्रेंज को बुला लिया होगा थानोस को मारने के लिए। और सिंस यहाँ पे कोई अगर ड्रीम वॉक करता है अलग यूनिवर्स में जाता है तो उससे होता ये है कि मल्टीवर्स जो है दो अर्थ या फिर दो डायमेंशन जो है दो रियलिटीज जो है वो आपस में कोलाइड करने लगती हैं, आपस में मिलने लगती हैं, जिससे हो सकती है बहुत बड़ी तबाही। एंड जब ये बात पता चली थी इल्यूमिनाटी मेंबर्स को कि डॉक्टर स्ट्रेंज ड्रीम वॉकिंग कर रहा है जिसकी वजह से सीक्रेट वॉर्स या फिर फ्यूचर में अर्थ कोलाइड कर सकती है, उन्होंने यहाँ पर डिसाइड किया कि डॉक्टर स्ट्रेंज को मारना पड़ेगा। और डॉक्टर स्ट्रेंज भी रेडी हो गया था इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए कि हाँ वो ड्रीम वॉकिंग कर रहा है। एंड दस डॉक्टर सुप्रीम स्ट्रेंज को अर्थ 838 वाले को मार दिया गया था। इसलिए तो इल्यूमिनाटी मेंबर्स अपने डॉक्टर स्ट्रेंज अर्थ 616 वाले को भी कंसिडर कर रहे थे उनको मारना, क्योंकि हो सकता है अगर वो ड्रीम वॉक कर रहा है तो उसकी वजह से भी मल्टीवर्स में कोलिजन हो सकता है, इसलिए उसको भी मारने के बारे में एक बार सोचा गया था। एंड फाइनली फिल्म में हम ये भी देखते हैं खुद ही कि डॉक्टर स्ट्रेंज अपने अर्थ 616 वाले डिफेंडर स्ट्रेंज की जॉम्बी वाली बॉडी में जाते हैं ड्रीम वॉक करके वांडर से लड़ते हैं, जिसकी वजह से फाइनल में हम ये देखते हैं कि क्लिया आती है एंड वो बताती है कि तुम्हारी वजह से इनकर्जन हो गया है। इनकर्जन वही कि दो यूनिवर्स कोलाइड कर रहे हैं एंड अब उसको जाके हमको रोकना पड़ेगा। तो मार्वल अब धीरे धीरे जो है सीक्रेट वॉर्स की तरफ बढ़ रहे हैं एंड फ्यूचर में अलग अलग कैरेक्टर्स के साथ यहाँ पर लड़ाई हमको देखने को मिल सकती है। और दोस्तों अभी मल्टीवर्स तो बस शुरू ही हुआ है, डॉक्टर स्ट्रेंज 3 आनी बाकी है, सीक्रेट वॉर्स जैसे अभी मैंने बताया आनी बाकी है। एंड जो अभी फ्यूचर है मार्वल का वो बहुत ज़्यादा मल्टीवर्स पर निर्भर करता है। तो मल्टीवर्स के हिसाब से हम देखेंगे कि शायद इल्यूमिनाटी मेंबर्स और भी है किसी और यूनिवर्स के, उसमें और भी मेंबर्स हम देख सकते हैं, प्लस शायद हमको थानोस की और कहानी देखने को मिलेंगी, डॉक्टर स्ट्रेंज जो और वेरिएंट्स हैं उनकी कहानी देखने को मिलेंगी, एंड जो आपके फेवरेट कैरेक्टर्स हैं कोई भी हो सकता है उनकी भी और कहानी देखने को मिलेगी। तो फ्यूचर जो है काफी एक्साइटिंग होने वाला है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो, ये था आज का एपिसोड, आई होप यू एंजॉयड। आपके जो भी कोई थॉट्स है इस वीडियो से रिलेटेड वो जाके मुझे प्लीज कमेंट्स में बताइए। इसी के साथ अगर आप खुद से कुछ ऐड करने चाहते हैं, आपके पास खुद की कोई थ्योरी है वो भी जाके मुझे प्लीज जाके कमेंट्स में जरूर बताइए। आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज चेकआउट करें मेरा ब्लॉगिंग चैनल अभिनीत डायरीज और मेरा गेमिंग चैनल अभिनीत प्लेज, दोनों चैनल्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगी और पिन कमेंट में भी है। अगर आप सभी मेरे साथ इंस्टाग्राम और ट्विटर पर जुड़ना चाहते हैं उसके भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, नहीं तो मेरा यूजर नेम आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते होंगे। मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखें एंड ऑलवेज रिमेंबर यू ऑल आर सुपर हीरोज, लाइफ हमेशा अच्छा करिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।